Hey guys, welcome back to my channel. So, आज के इस वीडियो में मैंने बनाया है आपके लिए कमाल का मल्टी कलर क्लॉक। इसको आप अपने वर्किंग टेबल या किसी भी डेस्क पर रखे टेबल क्लॉक की तरह यूज कर सकते हैं। और इसमें मैंने यूज किया है WH2812B LEDs को, जिससे आप इस क्लॉक के जो कलर है उसको भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसको चलाने के लिए मैं यूज किया एक Arduino Nano, और साथ ही साथ मैंने इसमें एक RTC मॉड्यूल यूज किया, जिससे कि ये प्रिसाइज टाइम शो करता है। और इसको पावर देने के लिए मैं यूज किया है एक 480mAh का लिथियम-आयन बैटरी, जो कि इसको इजीली 10 से 12 घंटे तक का पावर दे देगा। तो चलिए स्मार्ट क्लॉक को बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अल्टिम डिजाइनर, वी विल टॉक मोर अबाउट देम लेटर। कमिंग बैक टू द वीडियो, सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये कस्टम पीसीबी, और यहाँ पे मैं दो पीसीबी को यूज करूंगा, एक बॉटम लेयर के लिए, दूसरा अपर लेयर के लिए। और ये कस्टम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को मैंने बनाया है अल्टिम डिजाइनर के मदद से, और इसको मैंने असेंबल करवाया है पीसीबी वे से। एंड दिस पीसीबी इज स्पॉन्सर्ड बाय पीसीबी वे, जो कि एक पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे आप किसी भी पीसीबी को इजिली प्रिंट करवा सकते हैं, साथ ही साथ पीसीबी को असेंबल भी करवा सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। सिंपली आपको क्या करना है, गर्वर फाइल को अपलोड कर देना है, फिर क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है, और कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, फिर शिपिंग कंट्री को सिलेक्ट करके एड टू कार्ट कर देना है। सो गर्व रॉय नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर पीसीबी को ऑर्डर कर सकते हैं पीसीबी वे से। तो सबसे पहले हमें ये टॉप लेयर को असेंबल करना है, और ये टॉप लेयर में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। सिंपली ये 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले को पीसीबी के साथ सोल्डर कर देना है, क्योंकि इन 7 सेगमेंट डिस्प्ले को मैंने ऑलरेडी पीसीबी वे से असेंबल करवा दिया था। तो शोल्डर हो जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लेग्स है इन्हें मैं कट कर लेता हूं। सो टॉप लेयर का काम अभी खत्म हो गया है, तो चलिए अब बॉटम लेयर को असेंबल करते हैं। एंड बॉटम लेयर पीसीबी में ही सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, जैसे कि ये फीमेल हेडर पिंस। Arduino Nano को लगाने के लिए मैंने 15" पिंस को कट कर लिया है, और RTC मॉड्यूल के लिए 6 पिंस। बैटरी को सेफली चार्ज करने के लिए, साथ ही साथ हमारे क्लॉक को पावर देने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एक चार्जिंग मॉड्यूल को, जो कि पावर देगा हमारे Arduino Nano को, साथ ही साथ बैटरी को सेफली चार्ज करेगा। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है एक बूस्ट कन्वर्टर मॉड्यूल, जो कि बैटरी के वोल्टेज को बूस्ट करके Arduino Nano को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमारा जो Arduino Nano है वो 3.7 वोल्ट पे काम नहीं करता है। सो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैं 5.3 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ, जो कि सेफ ऑपरेटिंग वोल्टेज है Arduino Nano के लिए। फिर कुछ और कंपोनेंट्स लगेंगे, जैसे कि क्लॉक को ऑन ऑफ करने के लिए एक मिनी SPST स्विच और एक 2-पिन बैटरी कनेक्टर। सो एक एक करके मैं सारे कंपोनेंट्स को पीसीबी में लगा लेता हूं, फिर इन सबको मैं सोल्डर कर लूंगा। शोल्डर हो जाने के बाद अब हमें टॉप लेयर पीसीबी को बॉटम लेयर पीसीबी के साथ कनेक्ट करना है। सो उसके लिए हमें 3 वायर चाहिए, एक डाटा ट्रांसफर के लिए, दूसरा VCC और तीसरा ग्राउंड के लिए। सब कुछ शोल्डर हो जाने के बाद सिंपली हमें Arduino Nano और RTC मॉड्यूल को पीसीबी के साथ इंसर्ट कर देना है। और यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि वायर्स का कलर कैसे चेंज हो गया। सो पिछला जो मैंने वायर शोल्डर किया था वो थोड़े खराब थे, तो मैंने रिप्लेस कर दिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 10 माइक्रोफ़ारड का कैपेसिटर एड कर दिया, जो कि बेटर वोल्टेज स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले को। तो अब हमें सिर्फ Arduino को प्रोग्राम करना है। तो ये रहा हमारा कोड, सिंपली आपको बोर्ड और पोर्ट को सिलेक्ट करना है, फिर कोड को अपलोड कर देना है, और कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोड अपलोड हो जाने के बाद अब बारी है सिंपली यहीं से पावर देने की। सो पावर देने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 480mAh का लिथियम-आयन बैटरी। सिंपली इसको मैं डबल साइडेड टेप की मदद से यहाँ पे चिपका देता हूँ। तो चलिए वो हमारे क्लॉक को टेस्ट कर लेते हैं। सो टेस्ट करने से पहले बात कर लेते हैं आज के मेन स्पॉन्सर के बारे में, जो कि अल्टिम डिजाइनर, जो कि एक प्रोफेशनल पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, और इसको यूज करके आप सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक का सर्किट और पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं। और अल्टिम 365 को यूज करके आप अपने प्रोजेक्ट को क्लाउड में अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और कहीं पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं।
और बात करें इनके ऑक्टोपार्ट के बारे में, सो ऑक्टोपार्ट एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सर्च इंजन है और यहाँ पे आप इजीली कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और यहाँ पे आपको डाटा शीट भी मिल जाता है और प्राइस कंपेरिजन भी आप इस यहाँ पे कर सकते हैं। सो अल्टिम डिजाइनर का फ्री ट्रायल लिंक वर्जन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द वीडियो, हमारा जो क्लॉक है 1K रेडी हो चुका है। सो अब हमें सिर्फ इसके टॉप लेयर और बॉटम लेयर को पीसीबी को कनेक्ट करना है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्पेसर को। सो स्पेसर को यूज करके इन दोनों पीसीबी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो फाइनली हमारा जो क्लॉक है पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है, और लुक वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इसका जो साइज है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। सो इसको आप एज ए टेबल क्लॉक की तरह भी यूज कर सकते हैं, अपने वर्किंग बेंच पे कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये ऑन भी अच्छा लगने लगता है, और इसके आगे एक डिफ्यूजर लगा देने पर इसका जो आउटपुट है वो भी और फिल्टर हो जाएगा। और बैटरी को चार्ज करने के लिए आप किसी भी 5 वोल्ट पावर सप्लाई से इसको चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पावर बैंक से भी इसको आप चार्ज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। अगर आपके पास कोई सवाल है फिर कोई सजेशन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डीएम कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। एंड फ्री ट्रायल वर्जन ऑफ अल्टिम डिजाइनर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट।